This video is made from Hills Higher School. Myself Dinesh V. Shah, students of Standard 6. Today we are going to continue with the first lesson of social studies whose name is The Sources of History. Let's start. Record in stone inscription. उसका मतलब क्या होता है कि जो जो भी घटना ancient times में घटी थी वो सब स्टोन्स पे भी लिखी जाती थी. इन एंशिएंट टाइम्स मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट ऑफ किंग, राजाओं ने जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की थी वो, राइटिंग ऑफ ऑर्डर्स, जो कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस उस वक्त होते थे वो भी स्टोन्स पे लिखे जाते थे. एंड ट्रेडीज विद अदर स्टेट्स वर कार्व्ड ऑन द स्टोन्स. और जो दो स्टेट्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो भी स्टोन पे लिखे जाते थे या तो मेटल प्लेट्स पे लिखे जाते थे. दीज मेटल प्लेट्स एंड स्टोन राइटिंग्स नोन एज इंस्क्रिप्शन. उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. इवन एग्जिस्ट टुडे, आज भी एग्जिस्ट करता है. एंड आर प्रिजर्व इन आर्चीव सच एज द नेशनल आर्चीव ऑफ दिल्ली. आर्चीव मीन्स जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं उन्हें संभाल के रखने की जगह होती है उसे आर्चीव कहते हैं. और जैसे कि द नेशनल आर्चीव ऑफ दिल्ली. ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड एंशिएंट ऑर्नामेंट्स आर फाउंड विच हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम्स. ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब जो डिगिंग होता है उस वक्त हमें उसमें से खोद के हमें क्या मिलता है, यूटेंसिल्स मिलते हैं, पुराने ज़माने के टूल्स मिलते हैं, एंशिएंट ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम. बेस्ड ऑन पिक्चर 1.4 गैदर इंफॉर्मेशन ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम एन एक्सकेवेशन साइट नियर योर रेसिडेंस. 4.1 में जो पिक्चर दिया गया है और उसमें जो जो ऑर्नामेंट्स दिए गए हैं वो सब आपको ढूंढने हैं आपके नियर रेसिडेंस में. यू जस्ट एज आर्कोलॉजिस्ट डू वी कैन नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम फ्रॉम ओल्ड कॉइन्स, स्टोन इंस्पिरेशंस, पेंटिंग एंड मेटल प्लेट्स. जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट सब शोध करते थे हम भी उन्हीं की तरह छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स ढूंढ सकते हैं, स्टोन इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं, पेंटिंग्स, मेटल ब्लेड्स ढूंढ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं. वी नाउ नो दैट देर आर वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गेट ऑथेंटिक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. हमें अब तक पता चल गया है कि बहुत ही सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिल सकती है. लेट अस कलेक्ट द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गैदर द हिस्ट्री ऑफ अवर टाउन, सिटी और विलेज. सो नाउ स्टूडेंट्स, आवर एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड ऑफ द फर्स्ट लेसन. आई होप यू think that this lesson is very interesting, and in homework you have to solve the question answers 2 times in your notebook. Till now it's goodbye from me. God bless you. This video is from Hills Higher English Medium School.